रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही पुतिन का जो रुख रहा है वो अभी भी कायम है। पुतिन ने लगातार मांग की है कि यूक्रेन तटस्थ रहे और नेटो सैन्य गठबंधन में शामिल न हो। यूक्रेन का इसके खिलाफ जाना ही इस युद्ध की वजह बना। युद्ध के इस लंबे अंतराल में भी पुतिन कहीं से समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं, बल्कि ज्यादा आक्रामक नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक संवाददाता सम्मेलन में पुतिन ने पूरी ताकत और तलखी के साथ जो कहा वो उनके खतरनाक इरादे का इजहार था। पुतिन ने मॉस्को में जनता और मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि रूस के लक्ष्य तब तक नहीं बदलेंगे जब तक उन्हें हासिल नहीं कर लिया जाएगा। यदि हम अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया है, तभी शांति होगी। अब उन लक्ष्यों की भी बात कर लेते हैं, वे अभी भी बदले नहीं है। मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमने तब क्या बात की थी। यूक्रेन का विनाश, इसका विसैन्यीकरण, इसकी तटस्थ स्थिति। या तो हम विसैन्यीकरण पर सहमत होंगे या कुछ शर्तों पर सहमत होंगे। वैसे इस्तांबुल में बातचीत में हम इन पर सहमत हुए थे, लेकिन फिर इन समझौतों को रद्द कर दिया। अब जो दूसरी अन्य संभावनाएं हैं, उसके मुताबिक या तो हम किसी एक समझौते पर पहुंचे या इसे ताकत से हल करें। बस यही है जिसके लिए हम कोशिश करेंगे। पुतिन के इस आक्रामक बयान को रूस में होने वाले चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अपने इस ताकतवर अंदाज से पुतिन रूस की जनता को भी सुरक्षित महसूस करवाना चाहते हैं। यकीनन उनका ये तरीका वहां के लोगों को काफी पसंद आता है। आपको बता दें कि मार्च 2024 में रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में 71 वर्षीय पुतिन का पांचवा कार्यकाल जीतना लगभग तय है। वो 24 वर्षों से सत्ता में है, जिसमें उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल भी शामिल है, और अगले साल की जीत से वो 2030 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। वैसे रूस यूक्रेन युद्ध के अब तक के सफर को देखें तो जून में शुरू हुए जवाबी हमले से यूक्रेन को केवल मामूली लाभ ही हासिल हुआ है। अपने खोए हुए क्षेत्रों में से केवल 10 मील तक ही वो वापस हासिल कर पाया है। यही वजह है कि अमेरिका समेत नेटो देशों ने नाराज होकर मदद को लगभग रोक सा दिया है। अब ऐसे में रूस का ये आक्रामक रवैया यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में मुसीबत को और बढ़ाने वाला ही है।